हमारी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अदिति, देखिए वो तस्वीरें ये हैं जो देश के शौर्य को, पराक्रम को प्रदर्शित करती है। अब ऐसे में अंतिम विदाई का वक्त बेहद नज़दीक है, हर किसी की आंखें नम हैं, तो वहीं गर्व की अनुभूति हर कोई कर रहा है। देखिए, आज बेहद तकलीफ वाला दिन है और मानव अधिकारों के लिए बेहद सजग दिन को आज हम अंतिम विदाई देंगे तमाम लोग। और अभी अंतिम विदाई का समय शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि कन्नौज के दुखद हेलीकॉप्टर हादसे में जो जान गंवाने वाले लोग थे उन सभी को कल दिल्ली ले आया गया था और जनरल बिपिन रावत और उनके साथ जो अन्य सैन्य अधिकारी थे उनका अंतिम संस्कार आज होगा। और राष्ट्र की आंखें नम है, वीर सपूतों की अंतिम विदाई आज हो रही है। अभी करीब 11 बजे से लेकर 12:30 बजे तक जो जनरल बिपिन रावत हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए उनकी आवाज पर सभी जो जनरल पब्लिक है उनके लिए खुला रहेगा अंतिम दर्शन। उसके बाद जो आर्मी से संबंधित, सेना से संबंधित लोग हैं वो 12:30 से 1:30 बजे तक रहेंगे। फिर उनको गन बॉक्स में रखा जाएगा और वहां से उनको ले जाया जाएगा कैंट, जहाँ पे उनकी अंतिम विदाई होगी। और केवल 3 ही बॉडी की शिनाख्त हो पाई थी, उसमें से एक बिपिन रावत थे, उनकी बीवी थी, और एक लेफ्टिनेंट बिडर थे, उनकी भी अभी अंतिम विदाई हो रही है, अंतिम संस्कार किया जा रहा है। और बेहद तकलीफ भरा यह दिन, कल रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके अंतिम अंतिम दर्शन के लिए वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने श्रद्धांजलि दी वहां पर जाकर जहां पर उनको लाया गया था। ये तमाम चीजें हैं। आज उनकी पत्नी मधुलिका रावत का भी अंतिम संस्कार है और ब्रिगेडियर LS लीडर जिनका अभी अंतिम संस्कार हो रहा है। बिल्कुल अदिति, LS लीडर वो शख्सियत थे जिनका दूसरा नाम ही शौर्य और पराक्रम था और यही उनकी पहचान भी थी। बिल्कुल, आपने सही कहा, यही उनकी पहचान थी। और बहुत बड़ा नुकसान देश को हुआ है इस हादसे से, क्योंकि इस हादसे में जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे वो सभी देश के लिए बहुत बड़े वीर काम किए हैं, जिसकी वजह से आप और हम सुरक्षित थे, या फिर जो आइडियाज थे, इम्प्लीमेंटेशन था। और LS मिडर का अभी अंतिम संस्कार हो रहा है, ब्रिगेडियर LS मिडर का, बेहद जाबाज सैन्य साथी जो यहाँ पर नहीं है। हरियाणा CM मनोहर लाल खट्टर जो है उन्होंने ब्रिगेडियर LS मिडर बराड़ स्क्वायर दिल्ली कैंट जाकर उनको जो अंतिम दर्शन किए उनके और उनको फाइनल सल्यूट जिसे कह सकते हैं, आखिरी विदाई वहां पर की है। मुख्यमंत्री जो है हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर वो अभी ट्रिब्यूट देने लास्ट पहुंचे हैं ब्रिगेडियर LS लीडर से। अब अंतिम संस्कार कुछ देर में शुरू होता है। बिल्कुल अदिति, देखिए मेरी जानकारी के मुताबिक LS लीडर को सेना में टॉनी नाम भी मिला था। उनकी जाबाजी के किस्से आज भी चर्चाओं का विषय है, हर कोई वो किस्से याद करके उनको याद कर रहा है। बिल्कुल, देखिए जब से ये तमाम चीजें हुई हैं तो जिनको द टोनी आई न्यू करके उनके ऊपर कई आर्टिकल्स भी आए हुए हैं, तमाम चीजें उनको आज देश याद कर रहा है। और जिस तरह की जिंदगी उन्होंने की है वो बेहद ही गर्व करने योग्य है कि कैसे ट्रैजेक्टरी रहा और किस तरीके से उनकी जिंदगी चुनी गई। अभी बहुत कुछ था जो वो अभी देश के लिए करना चाहते थे, कर सकते थे, और ऐसे में आज इस तरह की ट्रैजिक उनकी विदाई हो रही है
और ना सिर्फ जो आपने बताया लेकिन उसके अलावा भी कई वीर पुरस्कार उनको दिए गए। देश उनसे गर्व करता है, देश उनसे बड़ा सम्मान है और देश के लिए जो उन्होंने जो कुछ भी किया वो एक बेहद वो विषय है। हम उनकी अंतिम विदाई में आंखें नम हैं और उनको धन्यवाद भी देना चाहते हैं उनके परिवार को और बेहद दिल के साथ उनकी आंखें विदाई दे। बिल्कुल अदिति, आज हर कोई उनको उनके परिवार को धन्यवाद भी दे रहा है, नम आंखें भी हैं। और देखिए ना कि जिस तरीके से खबरें सामने आई कि कुछ ही टाइम बाद उनका प्रमोशन भी होना था, परिवार में खुशियों का माहौल था कि प्रमोशन होने वाला है, पर शायद होनी को कुछ और ही मंजूर था। बिल्कुल, उनको द टोनी कहा जाता था, उनका निक नेम टोनी था और ब्रेवेस्ट डेकोरेटेड ऑफिसर में से इंडियन ऑफिसर उनको काउंट किया जाता था। और क्या कुछ सोचा होगा परिवार ने उनके लिए और क्या कुछ। और अदिति, हम दोनों तो सिर्फ बात कर सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि दर्द कितना ज्यादा है, पर जो परिवार के लोग हैं उनके दर्द की कल्पना भी हम शायद नहीं कर पाएंगे। जाहिर तौर पे क्योंकि इतना बड़ा झटका है, सडनली कई बार अक्सर जब हम नॉर्मल किसी की तबीयत खराब होती है और उसके बाद बहुत लंबे समय तक हॉस्पिटल में जूझने के बाद जब किसी की डेथ हो जाती है तब हमें इतना शॉक होता है। यहाँ पे तो सुबह वो अपनी फैमिली को बाय करके गए होंगे, अपनी फैमिली को कहा होगा कि मैं शाम को आके मिलता हूँ। और जिस व्यक्ति ने ना सिर्फ परिवार का, देश का नाम रोशन करा, नेशनल डिफेंस अकेडमी का एंट्रेंस एग्जाम उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया और उन्होंने जनवरी 1987 में 77th NDA का कोर्स जो है उसे ज्वाइन किया था और उनको अलॉट किया गया था इंडिया स्क्वाड्रन। और उनके खुद के, उनके परिवार के कितने सपने होंगे जो आज अधूरे रह गए। और इस तरह की हादसे में ऐसी डेथ जो अनएक्सपेक्टेड थी वो एक बेहद बहुत तकलीफ देने वाली बात है। बहुत उनको प्यार से टोनी कहा। बिल्कुल अदिति, सही कहा आपने कि कई उम्मीदें परिवार को भी थी तो वहीं देश भी बहुत सारी उम्मीदें लगाए बैठा था उनसे कि आने वाले वक्त में उनके नेतृत्व में कुछ और उपलब्धियां हम हासिल करेंगे और दुश्मनों को मार गिराएंगे। आप बने रहिए अदिति हमारे